जी जनाब, आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम, आवाज आ रही है? स्टार्ट करें। कल हमने ईपीएस अपना डन कर लिया था, फॉर्मेट सार को समझा दिए थे, वो हो गए थे, समझ आ गई थी। चलिए थोड़ा सा मैं आपको IAS 8 का स्टैंडर्ड डिस्कस कर देता हूँ, उसके बाद फिर इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन, जो कंबाइंड क्वेश्चन हैं, जो आपको मस्ट डू क्वेश्चन की लिस्ट दी थी, हम उसके ऊपर मूव करेंगे। बिकॉज वो क्वेश्चन जो है उस तरह से आने के चांसेस जो है वो ज्यादा हैं, फिर हम उसको देख रहे होंगे, फिर हम एक दो तो दिन इनकी टका के प्रैक्टिस कर लेंगे चीजों की। ठीक है, IAS 8 इसमें तीन चीजें जो हैं वो हमने देखनी होती हैं। अब आपने बिना वजह के इसको एक मुश्किल स्टैंडर्ड समझा होगा। इसमें हम देखते हैं कि अकाउंटिंग पॉलिसीज चेंज हो जाएं, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स में चेंजेस आ जाएं, या एरर्स वगैरह अगर हमारे कोई इनकर हो रहे हैं उनको हमने किस तरह से ट्रीट करना है, किस तरह से हमने उसको अकाउंट फॉर करना है, वो सारा कुछ हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे देखना है, हमने उसको यहाँ पर सीखना है। ये तीन चीजें जो है वो हमने क्या करनी है, वो हमने यहाँ पर देखनी है। ठीक है, आपको करेक्शन ऑफ एरर्स पता है? अब उसी से आगे बात चलती है हमारी, IAS 8 की चेंजेस इन एस्टिमेट, अकाउंटिंग पॉलिसीज, एस्टिमेट एरर्स वगैरह, इनकी हमने क्या करनी है, बात करनी है। इसमें तीन चीजें हैं जो मेन इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकली या थ्रेटिकली कुछ डेफिनेशंस हैं वो हमें पता होनी चाहिए। अकाउंटिंग पॉलिसीज किस तरह इंप्लीमेंट होती हैं, अगर पॉलिसी चेंज हो जाए कैसे चलेंगे कैसे नहीं चलेंगे, अकाउंटिंग एस्टिमेट्स क्या होते हैं, और एरर्स वगैरह जो हैं इनका अगर चेंज हो जाए, इनमें तब्दीली आ जाए तो कैसे चलेंगे कैसे नहीं चलेंगे, ये सब कुछ जो है वो हमने क्या करना है, वो हमने यहाँ पर देखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि IAS 8 है क्या। इसमें बेसिकली हमें बताया गया है कि हमारे एस्टिमेट या पॉलिसीज वगैरह कभी भी यूनिफॉर्म नहीं रहती, ह्यूमन एरर्स पॉसिबल हो सकते हैं, एरर्स हो सकते हैं, हमने कभी कोई चीज़ एस्टिमेट की हो सकती है, माइट भी वो ना रहे, उसमें तब्दीली आ सकती है। तो अगर इस तरह की तब्दीली आ जाए उनको हमने किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, किस तरह से हमने उनको लेके चलना है, वो सब कुछ हमने क्या करना है, वो सब कुछ हमने यहाँ पर देखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं आप एक मशीन लेके आए, आपने एस्टिमेट कर लिया कि ये मशीन जो है आपके पास 10 ईयर्स तक चलेगी, 10 साल तक आप उसको चलाएंगे, लेकिन आपको बाद में अंदाजा हुआ कि यार ये मशीन 10 साल तो चल ही नहीं सकती, ये मशीन मैक्सिमम चलेगी आपके पास 5 साल। अब आपने इनिशियल एस्टिमेट इस पे किया था, अब वो किस पे चल रही है, अब वो इसके ऊपर चल रही है, तो ये जो आपके एस्टिमेट्स में चेंज आ रहा होगा, अब हमने इसको किस तरह अकाउंट फॉर करना है, किस तरह से हमने इसको लेके चलना है, ये सब कुछ हमने क्या करना है, अब हमने यहाँ पर देखना है, यहाँ पे हमने इसको डिस्कस आउट करना है, कैसे होगा कैसे नहीं होगा,
क्या कुछ इसमें है, क्या कुछ इसमें नहीं है, ये सब कुछ हमने इसमें देखना है। तो तीन चीजें हम आईएएस 8 में डिस्कस कर रहे होंगे। पॉलिसीज, पॉलिसीज कैसे इम्प्लीमेंट होती हैं, अगर पॉलिसीज हमारी चेंज हो जाएं तो क्या होंगी क्या नहीं होंगी उसको देखेंगे। एस्टिमेट्स वगैरह क्या हैं, कैसे चलेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं उसको देखेंगे। और एरर्स वगैरह जो हैं उसके बारे में हमने क्या करनी है, यहाँ पे डिस्कशन वगैरह करनी है कि अगर एरर्स वगैरह हमारे हो जाते हैं तो उन एरर्स को हमने किस तरह काउंटर करना है, कैसे उनको हमने स्टेटमेंट में शो करना है। ये तीन चीजें जो है मेनली हमने यहाँ पर देखनी है। यहाँ पे आपने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स में दो बातें याद रखनी है कि हमारे पास जब भी किसी चीज को ट्रीट कर रहे होंगे उसके दो इम्पैक्ट होंगे। या तो होगा प्रोस्पेक्टिव इम्पैक्ट या होगा रेट्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट। प्रोस्पेक्टिव या रेट्रोस्पेक्टिव, इन दोनों में से हम क्या कर रहे होते हैं, चीजों को लेके चल रहे होते हैं। हमने कोई भी चीज ठीक करनी है, हमने कोई भी चीज जो है उसको अकाउंट फॉर करना है, कोई पॉलिसी है, कोई एस्टिमेट चेंज हो गया है या कोई एरर आइडेंटिफाई हुआ है, उस एरर की हमने करेक्शन करनी है, तो उसका सबसे आसान चीज क्या है, दो ही ट्रीटमेंट होंगे। या तो हम उसको रेट्रोस्पेक्टिवली लेके चलेंगे या हम उसको क्या करेंगे, प्रोस्पेक्टिवली लेके चल रहे होंगे। अब ये कैसे डिटरमिन होगा कि रेट्रोस्पेक्टिव किसे कहते हैं, प्रोस्पेक्टिव किसे कहते हैं, वो देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम खड़े हुए हैं 2023 में, हम इस 2023 में स्टैंड कर रहे हैं, हम यहाँ पे हैं और ये पीछे भी है, पीछे 2022 है, 2021 है। ये है जो प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट होता है ना, प्रोस्पेक्टिव का मतलब है कि जिस दिन आपको पता चल गया उस डेट से ऑनवर्ड्स आगे क्या करेंगे, आगे आप उसको ठीक करके चलेंगे, आगे आप उसको अकाउंट फॉर करके चलेंगे, आगे उसको बेहतर रख के चलेंगे। और रेट्रोस्पेक्टिव क्या होता है कि आपको अगर 23 में लगा पता तो 23 से पहले जहां तक पॉसिबल है आप वो भी एरिया ठीक करेंगे, मतलब प्रीवियसली भी और आगे भी क्या करेंगे आप उसको ठीक करके चल रहे होंगे। ये होता है रेट्रोस्पेक्टिवली चीजों को लेके चलना, मतलब जहां तक पॉसिबल है, जहां तक प्रैक्टिकेबल है वहां तक क्या करेंगे, आप चीजों को ठीक करेंगे एज अर्ली जहां तक आप जा सकते हैं। और प्रोस्पेक्टिव का मतलब क्या है कि यहाँ से ऑनवर्ड्स जो है वो क्या कर रहे होंगे, आप चीजों को लेकर चल रहे होंगे। अब जब हम रेट्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट लेते हैं ना, रेट्रोस्पेक्टिवली मतलब कहाँ तक हम जा सकते हैं, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि चीज हमारी कहाँ तक ट्रीटमेंट जो है वो प्रैक्टिकेबल है और कहाँ तक ट्रीटमेंट जो है इम प्रैक्टिकेबल है। प्रैक्टिकेबल और इम प्रैक्टिकेबिलिटी में हमने क्या करना होता है, जाके चीजों को डिसाइड करना होता है। नॉर्मली होता है कि अगर आपको 2023 है, आपने अगर रेट्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट में आए तो आप मैक्सिमम कहाँ तक जाके आप चीजों को ठीक कर सकते हैं, 22 में, 21 में, मतलब एज अर्ली एज फार एज पॉसिबल, कितना आप ऊपर तक जाके, कितना अर्लीस्ट पीरियड में जाके आप चीजों को ठीक कर सकते हैं। जहां तक नहीं जा सकते, जहां तक चीजों को आप अकाउंट फॉर नहीं कर पाएंगे, ठीक नहीं कर पाएंगे, वो ट्रीटमेंट क्या कहलाएगा आपका, इम्प्रैक्टिकेबल ट्रीटमेंट जो है वो कहला रहा होगा। ठीक है, तो ये चीज जो है हमें पता होना चाहिए कि प्रैक्टिकेबल क्या है, इम्प्रैक्टिकेबल चीजें क्या है, रेट्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट क्या होता है और प्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट जो है वो क्या होता है, ये चीजें पता है। हम पॉलिसीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज, इस पे बाद में आते हैं, पहले हम जरा चलते हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट से। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स जो है इसका आप लोगों को ऑलरेडी पता है और आप हम इसको ऑलरेडी जो है वो ट्रीट करके आए हुए हैं। अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को हम ऑलरेडी ट्रीट करके आए होते हैं, कहाँ पे हमने नहीं ट्रीट किया होता है। आपको याद होगा IAS 16 जब हम पढ़ते हैं, IAS 16 में जब हमारे एस्टिमेट्स वगैरह चेंज हो रहे होते हैं तो हमने इनको वहां पे जाके डील किया होता है कि यार ये ऐसी ऐसी चीजें हैं,
इनको हम इस तरह से लेके चल रहे होंगे, और ये कुछ जो है बीच में इन्वॉल्व है, सब कुछ हम पता कर रहे होते हैं। जैसे मैं आपसे एक फॉर्मूला लिखता हूँ डिप्रिसिएशन का, कॉस्ट माइनस रेसिडुअल वैल्यू, यूजफुल लाइफ, ये आती है आपकी डेप्रिसिएशन। यही होता है डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला, डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला यही होता है ना। अभी आपका फॉर्मूला डेप्रिसिएशन का, अब जरा मुझे खुद बताएं इस फॉर्मूला में से एक्सेप्ट कॉस्ट इसके अलावा क्या कोई भी चीज सर्टेन है? नहीं है ना। अब रेसिडुअल वैल्यू जो है ये कभी भी आपको सर्टेन नहीं होती, आपको नहीं पता, क्योंकि आप ये आज के दिन बात कर रहे हैं कि आज से 10 साल के बाद इतने का बिक जाएगा, 20 साल के बाद इतने का बिक जाएगा, 25 साल के बाद इतने का बिक जाएगा। ये है आपकी स्क्रैप वैल्यू, ये है आपकी रेसिडुअल वैल्यू, एस्टिमेट है। मुकम्मल तौर पर आपने क्या किया हुआ है, मुकम्मल तौर पर आपने अंदाजा लगाया हुआ है, लाइफ आपने अंदाजा लगाई होती है। डेप्रिसिएशन जो है ये भी क्या होती है, इटसेल्फ अंदाजा ही होता है कि यार हमारे ख्याल से इस पैटर्न में इस तरह से क्या हो रहा है, हम इसको डिप्रिशिएट कर रहे हैं, वो हमने यहाँ सारा कुछ देखा होता है। अब ये सब कुछ जो है वो चेंज हो सकते हैं, रेसिडुअल वैल्यू जो है उसमें तब्दीली आ सकती है, यूजफुल लाइफ जो है वो चेंज हो सकती है। आपने एस्टिमेट किया था प्लांट जो है वो मेरा 5 साल चलेगा, 20 साल चलेगा, वो 10 साल चलता है, आपको था कि इसका बेनिफिट जो है फिक्स मिलेगा, लेकिन बाद में आपको अंदाजा उसका बेनिफिट फिक्स तो है ही नहीं, ये हर साल इसका बेनिफिट जो है वो डिक्लाइन हो रहा है। तो ये आपके एस्टिमेट्स हैं, जो आपने इनिशियली देखा था वो होने रहा, अब उसमें क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब जब भी आपके एस्टिमेट वगैरह चेंज हो रहे होते हैं तो इनको आपने क्या करना है, अकाउंट फॉर करना है, इनको आपने देखना है कैसे चलेगा कैसे नहीं चल रहा होगा, उसके बारे में आपने क्या करनी है, बात करनी है। लेकिन एस्टिमेट का चेंज होना, एस्टिमेट्स का चेंज होना, ये एरर्स नहीं होते कभी भी, ये चीज़ जो है ये आपको पता होना चाहिए। एस्टिमेट्स का तब्दील हो जाना ये कभी भी आपके एरर्स नहीं होते। ये ना कहेंगे जी हमारे एस्टिमेट्स चेंज हो रहे हैं तो ये हमारी एरर्स है, हमने गलती कर ली है, ये एरर्स नहीं है। ये उस वक्त आपने ह्यूमन जजमेंट के ऊपर जो फैक्टर्स वगैरह सारे कुछ आए थे उसके बेसिस पे आपने क्या किया था, इन चीज़ों को देखा था, अब वो फैक्टर्स नहीं रहे, अब फैक्टर्स तब्दील हो गई हैं। तो वो जो तब्दीली फैक्टर्स की आ रही है ये हमारी क्या कहलाती है, ये हमारे एस्टिमेट्स में चेंजेस जो है वो कहला रही होती है। अब ये जो आपके एस्टिमेट्स की चेंजेस वगैरह हैं इसको हमने क्या करना है, कैसे डील करना है, कैसे डील नहीं करना, वो देखते हैं। अब ये IAS 16 में हम पढ़ के आ चुके हुए हैं कि एस्टिमेट्स जो है वो हमेशा प्रोस्पेक्टिवली चेंज होते हैं, मतलब जिस दिन आपका डिप्रिसिएशन का रेट चेंज हो जाए उससे ऑनवर्ड जो है आप नई डिप्रिसिएशन को लेकर चल रहे होते हैं, जिस दिन लाइफ चेंज हो जाए उससे ऑनवर्ड जो है आप क्या कर रहे होते हैं, नई को लेकर चल रहे होते हैं। यह आपने IAS 16 में सीखा हुआ कि नहीं सीखा हुआ? तो ये ऑनवर्ड चलता है हमेशा, जिस रेट पे आपके एस्टिमेट चेंज हो गए उससे आगे, उससे फ्यूचर में क्या करता है, हम इसको लेकर चल रहे होते हैं। अब एस्टिमेट्स कौन कौन से चेंज हो सकते हैं, बैड डेट्स हो सकते हैं, इन्वेंट्री की मूवमेंट है, आपने लाइफ के बारे में एस्टिमेट्स किए हो सकते हैं, यूजेज पैटर्न्स के ऊपर, लाइबिलिटीज के ऊपर, कंटीजेंट लाइबिलिटीज वगैरह के ऊपर, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये किसका पार्ट बनती हैं, आपके एस्टिमेट्स का पार्ट बन रही होती हैं, ये तब्दील हो सकती हैं। रिमेंबर है जब भी तब्दील होंगी ना, जब भी तब्दील होंगी आपने हमेशा क्या करना है, आपने हमेशा इनका प्रोस्पेक्टिव इफेक्ट लेके चलना है, जिस दिन आपके एस्टिमेट चेंज हो रहे हैं उससे ऑनवर्ड जो है जो इसका इम्पैक्ट होगा वो आपने क्या करना है, उसको आपने लेके चलना है, ये चीज़ आपने बस याद रखनी है। अच्छा, एक और चीज़ कि आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज और एस्टिमेट्स में तब्दीली का जो है वो पता होना चाहिए कि कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। देखें, स्ट्रेट लाइन मेथड से रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड पे जाने पे ये क्या होता है, ये आपकी पॉलिसी का चेंज है। आप पहले कॉस्ट मॉडल के ऊपर डिप्रिशिएट कर रहे थे, रिकॉर्ड कर रहे थे, अब आप चले गए हैं रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर, ये पॉलिसी है। ये क्या है, ये पॉलिसी है। आपने क्या कि बिल्डिंग को मैंने स्ट्रेट लाइन के ऊपर डेप्रिशिएट करना है, प्लांट एंड मशीनरी को मैंने रिड्यूसिंग बैलेंस पर डेप्रिशिएट करना है,
आप रिड्यूसिंग से स्ट्रेस, स्ट्रेस रिड्यूसिंग आ रहे हैं, ये पॉलिसी है। लेकिन लाइफ अगर चेंज हो रही है, लगाना कैसे है, एस्टिमेट्स क्या होंगे, वो आपके क्या कहलाएंगे, एस्टिमेट्स वगैरह कहला रहे होंगे। जब भी आपके एस्टिमेट्स चेंज होंगे, रिमेंबर एक ही चीज याद रखनी है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि इसका इम्पैक्ट, इसका ट्रीटमेंट जो है वो हमेशा प्रोस्पेक्टिव होना चाहिए। उस दिन से ऑनवर्ड्स जो इसका ट्रीटमेंट होगा वो हम लेके चल रहे होंगे। जब भी आपके एस्टिमेट्स वगैरह चेंज होंगे, उस पीरियड पे उसका इम्पैक्ट क्या आएगा, अगर प्रीवियस पीरियड में उसका इम्पैक्ट वगैरह जाना था उसको आप बता देंगे, अदरवाइज ये आपके प्रोस्पेक्टिव वे में सारे के सारे क्या करने हैं आपने, ट्रीट करने हैं अकाउंटिंग एस्टिमेट्स को। उसके बाद है एरर्स। एरर्स हमारे पास क्या होते हैं, एरर्स हमारे पास दो तरह के हैं। एक है फॉर द पीरियड एरर और दूसरे हैं प्रायर पीरियड एरर्स। फॉर द पीरियड एरर का मतलब क्या है कि आप 2023 में बैठे हुए हैं, आप 2023 के अकाउंट्स बना रहे हैं, 2023 के अकाउंट्स बनाते हुए, 2023 के अकाउंट्स बनाते हुए आपको लग गया पता कि यार मैंने इस साल ये मिस्टेक्स की है। ठीक है, आपको मिस्टेक्स मिलते हैं पता, ईयर एंड के ऊपर जाते हैं और ईयर एंड के ऊपर आप उन मिस्टेक्स को रेक्टिफाई कर देते हैं, आप उनकी तस्ही कर देते हैं जो आपने कहाँ पे देखी है, जो आपने करेक्शन ऑफ एरर्स में देखी है। ठीक है, ठीक है, जो करेक्शन ऑफ एरर्स है ना, जो आप देख के आए हुए हैं, जो पढ़ के हैं, जो सीख के आए हुए हैं, वो है करंट पीरियड के एरर के। इस साल ये गलतियां हुई हैं, उनको पता है आप कैसे ठीक करते हैं, आप उनकी एडजस्टिंग एंट्रीज पास कर रहे होते हैं, उस तरह से हम लेके चल रहे होते हैं। एक है प्रायर पीरियड एरर। प्रायर पीरियड का मतलब क्या है कि आप 2023 में बैठे हुए हैं और 2023 में आपको याद आया कि यार ये हमारा एक मशीनरी थी, इसके ऊपर रेट जो हम अप्लाई कर रहे थे तो 2021 में डिप्रिशिएट करते हुए हमने 10% रेट अप्लाई नहीं किया, बल्कि हमने 8% रेट अप्लाई कर दिया, जिसकी वजह से इसकी बुक वैल्यू अभी भी खराब आ रही है, खराब रिकॉर्ड होके आ रही है। ये वो एरर है जो इस साल नहीं हुआ, इससे पहले हुआ है। आपने क्या करना है, अब आपने इस एरर को ठीक करना है, इस एरर की आपने तसहीह करनी है। कैसे तसहीह होगी, कैसे नहीं होगी, वो हमने क्या करना है, वो हमने यहाँ पर देखना है। अब एरर्स जो है ना, एरर्स जो अब मैं सिर्फ यहाँ पे हम बात कर रहे हैं IS-8 में प्रायर पीरियड एरर्स की, नॉट फॉर द करंट ईयर। जो करंट ईयर एरर्स जो है वो तो हम क्या कर लेते हैं, वो हम यहाँ पर रिकॉर्ड कर लेते हैं, करेक्शन ऑफ एरर में हम उसको ले जाते हैं, वहां पे जाके इसकी तमाम चीजें वगैरह जो है वो सेट कर लेते हैं कि यार ये हमने इसकी इस तरह से एंट्री जो है वो हमने पास कर ली है। जो प्रायर पीरियड एरर है जिनका ताल्लुक इस साल से नहीं, पिछले साल से था, जब उनको हम ठीक करने जाएंगे तो इनका इम्पैक्ट जो होगा वो रेट्रोस्पेक्टिवली होगा। रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट जो है वो हम इसको लेके चल रहे होंगे, मतलब जहां तक पॉसिबल है, जहां तक पॉसिबल है हम वहां तक क्या करेंगे, हम वहां तक जाके उसकी रेक्टिफिकेशन कर रही होंगे। जहां तक पॉसिबल होगा वहां तक हम जाके उन एरर्स को तस्हीह करेंगे, जहां तक हमारा प्रैक्टिकेबल होगा सोल्यूशन वहां पे जाके हम क्या कर रहे होंगे, इसको तस्हीह कर रहे होंगे। इसमें लंबी चौड़ी बहस में नहीं पड़ना हमने, आपने एक चीज याद रखनी है जो मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस के जरिए सिखाऊंगा। देखिए आपके पास इधर लिखता हूँ, इस पूरे में ना जो चीज आपको याद रखनी है, पेपर में क्या होगा, पेपर में आपको गिवन होगा फॉर एग्जाम्पल 2023, आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो सकता है, इसके एरर हो सकते हैं, अमूमी तौर पर बैलेंस शीट के एरर्स जो हैं वो उसने क्या किए होंगे, आपको गिवन किए होंगे अमूमी तौर के ऊपर। आपके पास क्लोजिंग बैलेंस होगा इस साल का और आपके पास इस साल का ओपनिंग बैलेंस होगा। अब जब आप प्रायर पीरियड्स को एडजस्ट करने जाएंगे ना, तो आपने क्या करना है, आपने ओपनिंग बैलेंसेस को एडजस्ट करना पड़ेगा। जब इस ओपनिंग बैलेंस को एडजस्ट करेंगे तो लामहैला तौर के ऊपर जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग था उसकी भी एडजस्टमेंट हो जाएगी, बिकॉज ये ठीक होगा
तो ये भी ठीक होगा। पर पेपर्स में वो आपको क्या करेगा, पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस भी गिवन करेगा। तो जब हम एरर्स को रेट्रोस्पेक्टिवली लेके चल रहे होंगे, बिकॉज 2 साल का कंपैरेटिव गिवन करता है, तो हमने मैक्सिमम क्या करना होगा, प्रीवियस ईयर के ओपनिंग बैलेंस तक जो इस एरर्स की रेक्टिफिकेशन का इफेक्ट जा रहा होगा, जो इम्पैक्ट जा रहा होगा, वो हमने क्या करना होगा, वो हमने यहाँ पर रिकॉर्ड करना होगा कि यार ये इम्पैक्ट है, इस तरह से हमने इसको लेकर चलना है, और ये कुछ जो है उसमें हम रिकॉर्ड कर रहे होंगे। तो 2 सालों का डाटा होगा, यहाँ तक पॉसिबल होगा हमारे सिलेबस में, तो यहाँ तक का प्रैक्टिकेबल सोल्यूशन होगा, वो डाटा बता देगा जी पिछले साल का इतना था, इतना इतना था, आप कर लेंगे जी। क्वेश्चंस अभी आपको समझ नहीं आएंगे, जब हम कल इससे क्वेश्चंस कर रहे होंगे वहां पे आपको समझ आएगा, और डैफोडिल्स वाले सवाल से ही मैं शुरू करूंगा, वहां पे आपको समझ आएगा कि आप क्या करेंगे, रेट्रोस्पेक्टिव लेके चलेंगे, एरर्स आइडेंटिफाई यहाँ पे हुए हैं, लेकिन वो एरर होंगे 2021-20 के, तो मैक्सिमम पॉसिबल जहां तक आप जा सकते हैं उसको रेक्टिफाई करने के लिए, आप उस वैल्यू के ऊपर जाएंगे और वहां पे जाके उसे क्या कर रहे होंगे, रेक्टिफाई कर रहे होंगे। तो एरर्स को हम क्या कर रहे होते हैं, एरर को हम इस तरह ठीक कर रहे होते हैं, प्रायर एरर्स जो है मैंने बता दी है कि ये पहले वक्तों में हुए होते हैं, कि आपने कोई चीज नहीं लिखी, क्या कोई चीज ओवर स्टेट कर दी है, कोई चीज ओवर राइट कर दी है, जिसकी वजह से आपका क्या हो रहे हैं, जिसकी वजह से आपको तमाम कुछ फेस करना पड़ रहा है, तो ये आपके क्या कहलाते हैं, ये आपके प्रायर पीरियड एरर्स जो है वो कहला रहे होते हैं। करेक्शन के बारे में बता दी है, और ये रेट्रोस्पेक्टिविटी की लिमिट बता दी हुई है आपको, कि जहां तक पॉसिबल है वहां तक आप कर सकते हैं, जहां पॉसिबल नहीं है वहां पे आप उसको नहीं ले सकते। मतलब अगर आपके पास 2020 का डाटा ही नहीं है, और आप 2023 में बैठे हुए हैं, और आप 2020 का ठीक करना चाहते हैं, बैलेंस तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज डाटा नहीं है। लिमिट्स की बड़ी वजूहत हो सकती है, रिकॉर्ड नहीं है, आप इस तरह के सिस्टम नहीं रखा हुआ, डाटा मौजूद नहीं है, आपको नहीं लग रहा कि उस वक्त क्या इम्पैक्ट था, क्यों था, आप उसको नहीं रिकॉर्ड कर सकते, तो ये चीजें जो हैं ये आपकी क्या कहलाती हैं, ये रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट की लिमिट्स कहला रही होती हैं। इसका डिस्क्लोजर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि जब भी आप एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे, खासतौर पर प्रायर पीरियड एरर्स को रेक्टिफाई कर रहे होंगे, तो उसके डिस्क्लोजर में जब आप डिस्क्लोज करेंगे बताएंगे, तो आप बताएंगे कि नेचर क्या थी एरर की, वो उसको कैसे प्रेजेंट करना है, प्रैक्टिकेबल है या नहीं है, कितनी करेक्शन की है आपने, इस करेक्शन का इम्पैक्ट ईपीएस के ऊपर कैसे जाएगा, वो ये जो उसने पूरी बात की है, इसके सवाल का रेफरेंस है डैफोडिल्स वाला। डैफोडिल्स वाला क्वेश्चन ये पूरा ये इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कैसे किसी भी एरर का इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पे किस साल तक जा सकता है, उसके अलावा ईपीएस के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा होगा वो हम यहाँ पे बता रहे होंगे, उसके अलावा अगर अर्लीस्ट कितने प्रीवियस ईयर्स को रेक्टिफाई किया है वो बता देंगे, किसको आप रेक्टिफाई नहीं कर पाए वो रीजन बता देंगे, प्रैक्टिकेबल क्यों नहीं है उन पीरियड को रेक्टिफाई करना वो रीजन बता देंगे, ये चीजें आपको क्या करनी पड़ती हैं, डिस्क्लोज आउट करनी पड़ती हैं। अच्छा, ये एरर्स थे, ये गलतियां थी। एक होती है कि आपने आइटम्स जो हैं उनकी क्लासिफिकेशन जो है वो गलत कर दी है, एरर्स तो हैं, गलतियां तो हैं, लेकिन उन गलतियों का प्रॉफिट्स वगैरह पे कोई मतलब उन गलतियों का अकाउंट्स की नेचर के ऊपर इम्पैक्ट नहीं किया, प्रॉफिट्स वगैरह के ऊपर इम्पैक्ट कोई नहीं किया, लेकिन गलतियां हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने रेंट के ऊपर रेंट नहीं लिखा, बल्कि आपने रिपेयर पे चार्ज कर दिया, अब वो रिपेयर पे चार्ज नहीं होना चाहिए था, वो रेंट में चार्ज होना चाहिए था, आपने रिपेयर में चार्ज कर दिया रेंट की बजाय, तो ये क्या होगा, ये आपकी मिस्टेक है। अब इसको क्या करना है, आपका ये कैसे करना है, अब देखो 1 लाख रुपए का रेंट लेस करते प्रॉफिट उतना ही आना था, आपने रेंट लेस नहीं किया, आपने रिपेयर लेस कर दिया, प्रॉफिट उतना ही आके, लेकिन अगर आपको ये वाली गलतियां आइडेंटिफाई हो जाए तो इन्हें आप क्या करेंगे, इन्हें आप रिक्लासीफाई करेंगे, और रिक्लासीफाई करने के लिए आप इस तरह का नोट बना देंगे कि गलती कहाँ पे हुई थी, गलती थी यहाँ पे हुई थी, आपने पहले कहाँ पे मिस्टेक की, आपने यहाँ पे लिख दी, आनी कहाँ पे चाहिए थी, यहाँ पे, और कितनी अमाउंट से आपने इसको ठीक किया है, आप वो अमाउंट लिख देंगे, तो उसकी रिक्लासिफिकेशन हो जाएगी कि ये एरर तो था, बट ये एरर उस तरह का नहीं था कि आप इसको कहेंगे हमें पूरा सवाल जो है वो रिवर्स करना पड़ जाए, हमें हर जाके वैल्यू चेंज करनी पड़ती है, ये वो वाला चीज नहीं थी, बिकॉज इससे प्रॉफिट्स के ऊपर इम्पैक्ट जो है वो बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। ठीक है, ये क्लियर है? कोई सवाल है तो बताएं।
ये क्लियर है सबको। अब हमारे पास आखिरी चीज रह गई है, दैट इज अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी जो है वो कैसे अप्लाई करनी है, कैसे अप्लाई नहीं करनी, अगर अकाउंटिंग पॉलिसीज में कोई चेंज आ रहा है उसको कैसे हमने अकाउंट फॉर करना है, उसको हमने देखना है। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या होती है? अकाउंटिंग पॉलिसीज बेसिकली स्पेसिफिक प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स हैं, गाइडेंस है जो हमें प्रोवाइड कर दी गई है किसी भी मैटर को, किसी भी इवेंट को हमने किस तरह टेकअप करना है, किस तरह से लेके चलना है। ये तमाम चीजें हमारी क्या कहलाती हैं? ये तमाम चीजें हमारी अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो कहला रही होती हैं। ठीक है, अब अकाउंटिंग पॉलिसीज डिजाइन कौन करता है? नॉर्मली आपका स्टैंडर्ड है, आपका बॉडी है जो स्टैंडर्ड सेट करती है, और जो स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक फिर पॉलिसी सेट की जाती हैं। उन्हें बताया जाता है कि अगर ये इवेंट आएगा तो किस तरह टेकअप करना है, किस तरह से अकाउंट फॉर करना है, क्या से रिकॉर्ड होगा, कैसे प्रेजेंट होगा, तमाम रेलेवेंट इंफॉर्मेशन जो है वो कैसे उस बीच में का इसको टेकअप किया रहेगा, तमाम गाइडेंस, तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो सारी की सारी क्या की जाती है, यहाँ पे प्रोवाइड की जा रही होती है। अब हमने अकाउंटिंग पॉलिसी सिलेक्ट कैसे करनी है? ये दो चीजें हैं, या तो वो एरिया कवर्ड होगा बाय स्टैंडर्ड, या वो एरिया स्टैंडर्ड में कवर नहीं होगा। आपको कोई ऐसी एग्जांपल पता है कि कोई भी ऐसी एग्जांपल जिसमें कि कोई एरिया या कोई पॉलिसी जो स्टैंडर्ड में नहीं है बट हम फिर भी लेके चल रहे होते हैं? एनीवन, एनी आइडिया? देखें देखें, एसेट को डेप्रिशिएट कैसे करना है? एसेट को डेप्रिशिएट कैसे करना है? क्या इसके लिए स्टैंडर्ड मौजूद है हमारे पास? IAS 16 है, बताता है एसेट को रिकॉर्ड ऐसे करना है, इस तरह सब्सिक्वेंटली लेके चलना है, डेप्रिसिएट करना है, बताते हैं। आपने बोरिंग की है, आपने बोरिंग की है, बोरिंग। अब उस बोरिंग को कैपिटलाइज करना है। क्या रेलेवेंट स्टैंडर्ड मौजूद है IAS 23? मौजूद है ना? ठीक है, प्रोविजंस क्रिएट करनी है फॉर बैड डेट। क्या इसके लिए कोई स्टैंडर्ड मौजूद है? क्रेडिटर्स को रिकॉर्ड करना है, क्या इसके लिए कोई स्टैंडर्ड मौजूद है?
डेटर्स को रिकॉर्ड करना है, क्या इसके लिए कुछ स्टैंडर्ड मौजूद है? नहीं है। इसका मतलब हमारे कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जो कवर किए गए हैं बाय स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड ने गाइडेंस प्रोवाइड की गई है, स्टैंडर्ड ने गाइड किया हुआ है, जो जो स्टैंडर्ड ने कह दिया है हम क्या कर रहे हैं, हम मिनिमम उसी तरह उसके ऊपर अमल कर रहे हैं, उस तरह ही हम उनको लेके चल रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें हैं जो स्टैंडर्ड की गाइडेंस में फॉल नहीं कर रहे, वो हमारे किस में जाते हैं, वो हमारे फिर इसमें फॉल कर रहे होते हैं, उसको हम कैसे लेके चलेंगे वो देखेंगे। देखें, अगर कोई भी अकाउंटिंग इवेंट है, कोई भी ऐसी चीज है, कोई भी ऐसा इवेंट है जिसको आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, कोई भी ऐसा इवेंट है जिसको आप रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं, उसके लिए स्टैंडर्ड की गाइडेंस वगैरह मौजूद है कि यार ये गाइडेंस है आपकी, तो याद रखिएगा जो हमें स्टैंडर्ड ने कह दिया है हम उसके मुताबिक ही चलेंगे। अगर स्टैंडर्ड ने कह दिया है बोरिंग कॉस्ट आपने कैपिटलाइज करनी है, आप क्या करेंगे, आप बोरिंग कॉस्ट को कैपिटलाइज ही कर रहे होंगे। अगर स्टैंडर्ड ने कह दिया है कि एसेट जो है आपके कॉस्ट मॉडल पे रिकॉर्ड हो सकते हैं या रिवैल्यूएशन मॉडल पे हो सकते हैं, आप लेके चलेंगे। अगर स्टैंडर्ड ने कह दिया है कि यार इम्पेयरमेंट ऐसे होनी है, रिवर्सल ऐसे होनी है, आप ऐसे लेके चलेंगे, बिकॉज वहां पे आपको बड़ी क्लियर गाइडेंस जो है वो प्रोवाइडेड है कि ये मैटर इस तरह से चलना है और ये वाला मैटर जो है इस तरह चलना है। ये सब कुछ क्या है, ये सब कुछ आपको प्रोवाइडेड है, ये सब कुछ आपको गिवन है, ये आपने क्या करना है इसको देख लेना। तो उसको तो हमें पता है। कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसके ऊपर स्टैंडर्ड ने कोई गाइडेंस नहीं दी हुई, जैसे डेटर्स कैसे रिकॉर्ड करनी है, जैसे क्रेडिटर्स को कैसे लेके चलना है, रिविजन्स जो हमने क्रिएट डाउटफुल डेट की उसे कैसे लेके चलना है। यहाँ पे वो एरिया है जो स्टैंडर्ड्स में कवर नहीं है, जो IFRS में कवर नहीं है। इसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, इसमें फिर मैनेजमेंट को अपनी जजमेंट अप्लाई करनी पड़ेगी, अपनी पॉलिसी खुद डेवलप करनी पड़ेगी जो उनकी बेस के ऊपर, उनकी मेन जजमेंट के ऊपर जो है बेस कर रही होगी कि ठीक है ये हमारा इवेंट हो रहा है, इसके मुताबिक जो है हम इस तरह से रिकॉर्ड कर रहे होंगे, या वो फिर ये करेंगे या वो फिर ये कर रहे होंगे कि ये डेटर्स हैं, इंडस्ट्री कैसे डील कर रही है, या किसी और बॉडी ने किस तरह से चीजें प्रोवाइड की गई हैं, उनकी नॉलेज के बेसिस पे क्या कर रहे होंगे, हम अपनी पॉलिसीज खुद डिफाइन कर लेंगे। लाइक फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सेक्टर में हैं और आपको लग रहा है पता कि इस सेक्टर के जितने भी लोग हैं वो अगर सेल्स वगैरह कर रहे हैं क्रेडिट के ऊपर, तो 5% की प्रोविजन बना रहे हैं, तो एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स आप क्या करेंगे, आप अपने जजमेंट अप्लाई करेंगे और आप अपनी पॉलिसी सेट कर लेंगे कि मैं भी ये डेप्रिशिएट कर रहा हूँगा 5% की बेसिस के ऊपर से, क्या कर रहा हूँगा, डेप्रिशिएट कर रहा हूँगा। तो आप इन तमाम चीजों को इस्तेमाल करते हुए अपनी पॉलिसी सेट जो है वो कर सकते हैं। जब आप पॉलिसीज वगैरह सिलेक्ट कर रहे होंगे तो आपने याद रखना है कि सबसे पहले आपने देखना है कि स्टैंडर्ड की गाइडेंस है कि नहीं है। अगर स्टैंडर्ड की गाइडेंस उसके ऊपर है या उससे इवेंट जो रिलेट कर रहा है उसके लिए है, तो आप उसको फॉलो करेंगे। अगर वो भी मौजूद नहीं है, तो फिर जो आपका कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क होगा उसमें क्या चीजें प्रोवाइड की गई हैं, कैसे प्रोवाइड की गई हैं, आप उसके बारे में जाएंगे, उसको देखेंगे, उससे गाइडेंस लेते हुए अपनी पॉलिसी वगैरह जो है वो डिजाइन कर रहे होंगे। अब इसमें प्रोफेशनल जजमेंट जो है, अगर आपने वो अप्लाई करनी होती है तो प्रोफेशनल जजमेंट आपको ऑब्टेन कैसे होती है, आपको स्टैंडर्ड्स की नॉलेज होनी चाहिए, उनकी इंटरप्रिटेशन के स्टैंडर्ड क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, डेफिनेशन क्राइटेरिया रिग्रेशन क्राइटेरिया क्या है उसको देखना चाहिए, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में किन इवेंट्स को किस तरह टेकअप किया गया है कैसे नहीं है, ये तमाम चीजें आपको देखनी पड़ती हैं किसी भी इवेंट के बारे में, कोई भी पॉलिसी वगैरह जो है वो सेलेक्ट करने के लिए। ये जितनी थ्योरी है ना याद नहीं करनी, ये ना हो कि आप समझ रहे कि मैं थ्योरी बोली जा रहा हूँ बोली जा रहा हूँ बोली जा रहा हूँ तो आप याद करेंगे, याद नहीं करनी। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो है वो मैं करवा दूंगा आपको कल टका के, सिर्फ वही आपने देखना है, बस समझा रहा हूँ कि पॉलिसीज कैसे हैं, वो ना आप समझ रहे हैं कि अंग्रेजी जो है बहुत मुश्किल है, ये ऐसे हो रहेगी वैसे हो रहेगी, ऐसा काम नहीं है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जाम्पल नजर आ रही है कि प्रॉपर्टी प्लान एंड पेपर ने अलाउ किया है कि वो कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर लें या रिवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल कर लें आफ्टर रिकॉग्निशन। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड ने अलाउ किया है कि आप तुम या तो कॉस्ट मॉडल इस्तेमाल कर सकते हो या आप क्या कर सकते हो, आप रिवैल्यूएशन मॉडल इस्तेमाल कर सकते हो। स्टैंडर्ड ने अलाउ किया है, आपका जो दिल करेगा मॉडल इस्तेमाल कर लेंगे। अब उसको इस्तेमाल करने की पूरा प्रोसीजर जो है, पूरी गाइडेंस जो है वो भी कहाँ पे प्रोवाइड की गई है, वो भी आपको स्टैंडर्ड ने प्रोवाइड की हुई है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 है, कंपनी ए के पास 2 मशीनें हैं, एक
1 दिन की है, दूसरी 5 दिन की है। कंपनी ये नहीं कहे कि वो एक मशीन को कॉस्ट मॉडल पे लेके चलेगी, दूसरी मशीन को मैं रिवैल्यूएशन मॉडल पे लेके चलूंगी, तो क्या ये पॉसिबल है? ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो है वो हमेशा कंसिस्टेंट होनी चाहिए। अगर आप एक इवेंट को एक तरह से रिकॉर्ड कर रहे हो तो बाकी तमाम इवेंट को आप उसका रिकॉर्ड नहीं करोगे। चेरी पिकिंग आप कभी भी नहीं कर सकते एसेट्स की। आप कहें जी मशीन ए जो है कॉस्ट मॉडल पे, मशीन बी जो है वो चलेगी रिवैल्यूएशन मॉडल पे, मशीन सी जो है वो चलेगी किसी और मॉडल पे, ऐसे नहीं हो सकता। अगर मशीन है सारी मशीनें एक ही मॉडल पे चलेंगी, अगर बिल्डिंग है सारी बिल्डिंग एक ही मॉडल पे चल रही होगी, चेरी पिकिंग जो है वो कभी भी आप एसेट्स की नहीं कर सकते, ये चीज याद रखना। ये था स्टैंडर्ड की सिलेक्शन से रिलेटेड। अब है कि अगर आपका अकाउंटिंग पॉलिसी चेंज हो रही, तो फिर देखिए चेंज ना आपके पास दो तरह की है, एक है कंपलसरी चेंज, एक है वॉलेंटरी चेंज। कंपलसरी चेंज वो होता है कि स्टैंडर्ड ही चेंज हो गया। अगर स्टैंडर्ड चेंज हो गया तो वो आपको क्या देता है, वो आपको ट्रांजिशन पीरियड देता है, वो प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करता है कि पहले हम ये कहते थे अब से हम तुम्हें ये कहेंगे, अब तुमने यहाँ से यहाँ पे कन्वर्ट होना, तो ये तुम्हें काम करना पड़ेंगे। अगर कंपल्सरी चेंज है, कंपल्सरी चेंज होता है गाइडेड बाय IFRS, जो स्टैंडर्ड ने बताया हुआ है, तो वो क्या करेगा, वो स्पेसिफिक आपको रूल्स बताएगा, न्यू रूल्स बताएगा, ट्रांजेक्शन स्कीम बताएगा, उसके तहत क्या करेगा कि इस तरह से आप इन चीजों को लेकर चलना है। जैसे आपको पता होगा अभी 1 साल पहले आईकैप की स्कीम चेंज हुई है, तो उसने भी ओल्ड स्कीम से जब न्यू स्कीम पे बनाया था सब कुछ बताया था कि यार ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ओल्ड स्टूडेंट हैं ये न्यू में कन्वर्ट हो जाएंगे, सबके माजी के गुनाह जो है हम माफ कर देंगे, अटेम्प्ट खत्म कर देंगे। तो वो क्या होता है, वो सब कुछ बता रहा होता है। तो एक ट्रांजिशन पीरियड होता है, उसके मुताबिक फिर हम क्या कर रहे होते हैं, उन चीजों को लेके चल रहे होते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पहले लीज होता था IS-17, फिर IFRS-16 हो गया, पहले रेवेन्यू होता था IS-18, फिर IFRS-15 हो गया। पहले होता था कि 2002 की बात है कि बोरिंग कॉस्ट जो है वो आप या तो एक्सपेंस आउट कर सकते थे या कैपिटलाइज कर सकते थे, आपके ऊपर था। बाद में फिक्स कर दिया कि नहीं, आज के बाद बोरिंग कॉस्ट जो है वो आप कैपिटलाइज ही करेंगे। तो जो जो कंपनीज पहले कैपिटलाइज कर रही थी उनको तो चेंज नहीं करना पड़ा होगा इतना कुछ, लेकिन वो ऐसी कंपनीज जो उस रूल से पहले बोरिंग कॉस्ट को एक्सपेंस आउट कर रही थी, उनको फिर क्या करना पड़ा, रेट्रोस्पेक्टिवली जाकर तमाम अपने अकाउंट्स को चेंज करना पड़ा। वो जो एक्सपेंस आउट की हुई थी उसको उन्होंने क्या किया, सारा कैपिटलाइज किया, और वो तमाम ट्रांजेक्शन स्कीम कैसे चलना है वो स्टैंडर्ड ने क्या की होती है, गाइडेंस वगैरह प्रोवाइड की होती है। लेकिन रिमेंबर ये रेट्रोस्पेक्टिव ट्रीटमेंट होता है इसका भी, ये लिख लीजिएगा कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जब चेंज होती हैं इनका भी ट्रीटमेंट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिवली हम लेके चल रहे होते हैं। दूसरा है वॉलंटरी चेंज। वॉलंटरी चेंज होता है कि आप खुद चेंज कर रहे हैं स्टैंडर्ड नहीं का। जैसे पहले आप चल रहे थे कॉस्ट मॉडल के ऊपर, अब आप चल रहे हैं रिवैल्यूएशन मॉडल के ऊपर। पहले आप चल रहे थे कॉस्ट मॉडल के ऊपर, आप चल रहे हैं फेयर वैल्यू मॉडल के ऊपर। तो ये आपका क्या कहलाता है, दिस इज नोन एज योर वॉलंटरी चेंज। वॉलंटरी चेंज उसके लिए फिर स्टैंडर्ड में गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है कि यार इस तरह से इसको लेके चले और इस तरह से इसको लेके चल रहे, तो ये आपका वॉलंटरी चेंज होता है जो आप खुद कर रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा जब आप चेंज करते हैं, ये पॉलिसी चेंज होती है, तो आप उसका डिस्क्लोजर जो है वो गिवन करते हैं। डिस्क्लोजर की ये चीजें होती हैं कि आप बताते हैं कि स्टैंडर्ड कौन सा अप्लाई होगा, क्योंकि आपने सबसे पहले बताना है कि चेंज हुआ क्यों है। चेंज आप कर रहे हो पॉलिसी स्टैंडर्ड चेंज होने की वजह से कि वॉलेंट्री चेंज होने की वजह से। अगर स्टैंडर्ड चेंज हो रहा है तो फिर ये तमाम चीजें जो है आपको डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, कौन कौन सी, कि नेक्स्ट स्टैंडर्ड का नाम क्या है, कौन सी पॉलिसी चेंज हुई है, कब से चेंज होगी, ट्रांजिशन कैसी है, ट्रांजिशन की डिस्क्रिप्शन, वो तमाम प्रोविजन जिसका फ्यूचर पीरियड पे इम्पैक्ट होगा वो बताना पड़ेगा आपको। रीजंस कि न्यू अकाउंटिंग पॉलिसीज रिलायबल हैं या नहीं, उसका इम्पैक्ट EPS पे क्या जाएगा, जितनी प्रैक्टिकेबल एडजस्टमेंट्स हैं, वो जो इम्प्रैक्टिकेबल चीजें हैं ये सारी आपको डिस्क्लोज करके बतानी पड़ेंगी। और अगर आप वॉलेंट्री चेंज कर रहे हो तो फिर आप कहेंगे कि कौन सी पॉलिसी आपकी चेंज हुई है और जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो क्या है, EPS के ऊपर इम्पैक्ट, उसका प्रैक्टिकेबल ट्रीटमेंट, उसका इम्प्रैक्टिकेबल ट्रीटमेंट, ये चार चीजें जो है ये क्या करनी पड़ेगी, आपको बयान करनी पड़ रही होंगी। तो ये याद रखिएगा, अगर आपका चेंज आई स्टैंडर्ड की वजह से आए या वॉलंटरी चेंज आए, तो ये सब कुछ जो है ये क्या करना पड़ेगा, ये सब कुछ आपको यहाँ पे बताना पड़ रहा होगा। सो दिस वॉज ऑल अबाउट IS-8, जो बहुत बड़ा लगता है, ये थ्रेटिकली इसमें है, लेकिन इसको हमने थ्रेटिकली से ज्यादा हमने इसको लेके चलना है न्यूमेरिकली। अब इसके जो हमने कल सवाल करने, मैं आपको थोड़े बहुत सवाल बताता हूँ जो मैंने थोड़े बहुत, तो नहीं सारे करवाने करवाने हैं। आपके पास पास्ट पेपर की बुक्स हैं? डू यू हैव और नॉट? आपके पास पास्ट पेपर्स हैं?
सही है, नोट्स वाली पाई, वही पास पेपर्स हैं। ओ है, आपके पास पास पेपर नहीं है, जालमो। ये सीए नोट्स वाली है, ये लास्ट 27 अटेम्प्ट हो गए हैं। हाँ वो सीए नोट्स वाली, सीए नोट्स वाली चल जाएगी, सीए नोट्स वाली चल जाएगी। आज सब कुछ मेरे से पा दो। इस मुल्क की महंगाई भी मेरी वजह से हो रही है, कंट्री डिफॉल्ट भी मेरी वजह से होगा। यार पेज कौन सा है, एक सेकेंड। ओ एक मिनट बाजी, एक मिनट, एक मिनट, साल है बाजी, प्लीज टेक अ ब्रेथ। टेक अ डीप ब्रेथ। हाँ स्प्रिंग 18 का सवाल जो है, हाँ पेज नंबर 90 के ऊपर होगा, डेफोडिल्स वाला, ये हम कल करेंगे। दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन जो मैं समझता हूँ। अगर आपको डेफोडिल्स वाला सवाल आता है तो आप अच्छा खासा इसमें काम कर सकते हैं। इक्विटी, ईपीएस, आईएएस, तीनों की अप्लीकेबिलिटी जो है वो करवा रहे होते हैं। उसके अलावा आपने कोई ईपीएस के सवाल ट्राई किए थे? ये जो मस्ट टू डू क्वेश्चन से, उनमें एक चांद लिमिटेड वाला सवाल भी था, ये भी आपने करने किया था। बहुत भाई तेज हो, तो ये करना कुछ हैगा नहीं है। हाँ ये तकरीबन ना इसके 12 के करीब सवाल हैं। इसमें से मैं कभी कल कुछ चार सवाल करवा दूंगा, चार बहुत हैं जो बड़े बड़े सवाल हैं। एक डेफोडिल्स, डेफोडिल्स के अलावा चार सवाल कर लेते हैं कल। डेफोडिल्स बड़ा तो कंफर्म है ना, उसके अलावा चार सवाल जो है वो हम कर लेंगे यहाँ पे, जिसमें से एक लाजमी है, क्ले पाकिस्तान लिमिटेड। बड़ा क्वेश्चन है, मजे का क्वेश्चन है, इसको देखेंगे। एक सुप्रीम सीमेंट कंपनी लिमिटेड है, दो हो गए। आसिफ इंजीनियरिंग तीन, चांद पेंट, चांद पेंट्स वाला अच्छा सवाल है ये, चार। कल हम ये क्वेश्चंस करते हैं, उसके बाद आपका ये जो एरिया कंबाइंड क्वेश्चंस का है, आई गेस कल के बाद आपको इसमें इशू नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने ये काम करना है, बस आप लोगों ने इन क्वेश्चंस को एक दफा रीड आउट कर लेना है। ये जो क्वेश्चंस है ना, इनको एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा, ताकि आपके क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग्स जो है वो डेवलप हो, आपको इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो।
और कल मैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा के, जिसमें आईएएस एड ईपीएस के और ये कंबाइंड क्वेश्चन भी शामिल होंगे, फिर मैं एनपीओ को जो है, एनपीओ के वैसे मैंने वीडियोस तो आप लोगों को दे दी हुई है, मैं एनपीओ को जो मेन फॉर्मेट परस्पेक्टिव पे ना डिस्कस करके उसके भी दो तीन प्रैक्टिस क्वेश्चंस करवा के आई वांटेड कि मैं आगे 3-4 दिन जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही करवाऊँ। तो पूरा कंसेप्ट रिवाइज करने की बजाय उन चीज़ों की, मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ही करवाऊँ खासतौर पर रिसेंट अटेम्प्ट के, और ये मैं करवाने के मेरा माइंड है कि मैं ये करवा दूँ, एटलीस्ट 3-3 क्वेश्चन जो है वो देख लूँ। क्या कहते हैं आप लोग? एनपीओ के मैंने प्रॉपर लेक्चर्स अवेलेबल किए हुए हैं, उसकी जो शॉर्टेस्ट वे में जो समराइज है ना कि यार ये फॉर्मेट होगा, ये अकाउंट्स बनाने हैं, डेट्स इट। थेरी थ्योरी जो करनी है वो उस जाके उन वीडियो से कर लीजिएगा, मुझे मैंने इसका लिंक शेयर किया हुआ है, ठीक है? उसके 2-3 प्रैक्टिस करके मैं चाहता हूँ कि आगे 3-4 दिन जो है ना मैं जस्ट प्रैक्टिस के ऊपर हाथ रखूँ। बाकी स्टैंडर्ड जैसे हैं 16 के, उसके भी प्रैक्टिस करवा दूँ, रिसेंट अटेम्प्ट के 36 है उसके भी सवाल करा दूं, ताकि आपकी वो चीज जो है ज्यादा बेहतर हो जाए। क्यों भाई, क्या कहते हैं? हाँ, टेस्ट 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 टेस्ट, मैं इस वीक टेस्ट शेयर नहीं कर रहा था खुद। अगर आप कहते हैं तो मैं आपको टेस्ट शेयर करना शुरू कर देता हूँ विद सॉल्यूशन, आप उसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। हाँ, मैं प्रैक्टिस करा करा के अंदर मचा देता हूँ, मैं ये करता हूँ, फिर मैं जो है 3-3 2-2 सवाल करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चंस फिर मैं रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड करता जाऊंगा, वहां से देखते जाइएगा, ताकि आप लोग अपने लेयर टाइम में आपको बाउंड ना होना पड़े, जब दिल किया 1.5x पे प्ले किया, जो एडजस्टमेंट समझ नहीं आ रही वो देख के खत्म करते जाइएगा। बट कल तो कर लेना भाई, मैंने IS 20, IS 23, IS 36 की मैंने प्रॉपर जो समराइज वीडियोस है ना वो मैंने आज से 1 हफ्ता पहले शेयर कर दी हुई थी, जब मेरी फोर्थ की हुई थी, जब मुझे मेरे डे ऑफ करना पड़ा था, मैंने अभी उसी दिन कहा था कि यार ये देख लीजिएगा, मैं अभी अवेलेबल नहीं हूँ, अगर आपने वो नहीं देखी तो इसमें आपका प्रॉब्लम है ना। मैं हालांकि फोर्थ की बता, बट मैं वीडियोस अवेलेबल करके गया था। ठीक है, कल मिलते हैं। कल मैंने आपको ये इनकी कुछ क्वेश्चंस जो है वो प्रैक्टिस करवाने हैं, कल अराउंड 5 बजे शुरू कर लूंगा मैं क्लास, पूरे 5 बजे कल शुरू कर लूंगा। कल हम ये 4-5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद आपने फिर मुझे बताना है कि नाउ ये इस एरिया में से तो आपको मार्क्स लूज नहीं होंगे ना, ये मुझे आपने बताना है, ठीक है? और बताएं, टेस्ट शेयर कर दूं? कैश फ्लो का टेस्ट शेयर किया था मैंने, वो आप में से किसी ने अटेम्प्ट तो नहीं किया होगा, मुझे ये कंफर्म पता है कि किया था अटेम्प्ट, देखा नहीं किया। ठीक है मैम, आप कल का दिन निकाल लें, उसके बाद फिर मैं आपको ना हर टॉपिक के टेस्ट जो है डेली बेस पे अवेलेबल कर दूंगा। ड्राइव का लिंक मैंने शेयर कर दिया है, ड्राइव का लिंक शेयर कर दिया है, उन ड्राइव में नोट्स हैं, मैं उन ड्राइव में टेस्ट जो है वो हर टॉपिक के एक साथ ही अवेलेबल कर देता हूँ विद सोल्यूशन, 16 के 36 के 20 के 22 के सारे अवेलेबल कर देता हूँ, आपका दिल करे तो आप वहां पे उसको अटेम्प्ट कर लीजिएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बिकॉज वो टेस्ट जो है वो ऑटो सिलेबस है, ये कर दूं।
ये मैं आपको कर देता हूँ, मैं तमाम टेस्ट विद सॉल्यूशंस अपलोड कर दूंगा, लेकिन आप लोगों ने सॉल्यूशंस देख के प्रैक्टिस नहीं करनी, ये चीज आपने फिर अपने साथ देखनी है। वो ना आप सॉल्यूशंस देख के प्रैक्टिस कर रहे हो, ये अदर देन मॉक है। मॉक तो रेगुलर आपका होना ही होना है, वो तो है ही, ये अदर देन मॉक है। ये तमाम टेस्ट में अभी आज ही अपलोड कर दूंगा, उसी ड्राइव में जो आपके पास ड्राइव का लिंक आया है उसमें अवेलेबल होंगे, और आपने फिर उसको क्या कर लेने, तो आपका टॉपिक कंप्लीट होता है, आप उसको वहां से प्रैक्टिस आउट कर लीजिएगा। और मैं आगे चंद दिन ना प्रैक्टिस के ऊपर हाथ रखने लगा, प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस। आप ये जो हैं रेगुलर बच्चे, जैसे दो तीन बहुत कंसर्न बच्चे हैं जो बहुत ज़्यादा तंग कर रहे होते हैं, जिनको रात को आराम के ख्वाब आ रहे होते हैं, हालांकि उनका टेस्ट पहले ही टाइम में पास हो गया था, लेकिन वो फिर भी डर रही होती हैं, और मुझे आप लोग बता दीजिएगा कि आपको कौन से लाजमी क्वेश्चन हैं किस टॉपिक के, मैं आपको वो भी यहाँ पे डिस्कस आउट कर दूंगा। ठीक है, मिलते हैं कल 5 बजे, प्रैक्टिस ऑफ दीज कंबाइंड क्वेश्चंस, जिसमें डेफोडिल्स और ये तमाम चीजें जो हैं वो कर देंगे हम डिस्कस आउट। नहीं, ये किताब की शॉर्ट फॉर्म में कभी भी नहीं दे सकता, ये फिजिकल किताब है, मैं अगर इसकी सॉफ्ट दे दूंगा तो मुझे क्यों मरवाना है आपने, ये शॉर्ट में नहीं दे सकता मैं। जो नोट्स है वो मैंने शॉर्ट में अवेलेबल कर दी है, वो नोट्स अपलोडेड भी हैं, बट ये किताब आई कांट, ये मैं नहीं दे सकता शॉर्ट में, सॉरी। पास्ट पेपर की किताब मैं शॉर्ट में नहीं दे सकता। ठीक है जी, मिलते हैं कल, अल्लाह हाफिज।